कक्षा 8 पार्ट 3 विषय सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी शासन का जनजीवन पर प्रभाव। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उसने ऐसे क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या परिवर्तन लाए जो हमारे सामाजिक जीवन पर जिनका प्रभाव पड़ा। उन 1600 से 1757 तक उनका उद्देश्य व्यापार था, केवल व्यापार और व्यापार। सोना चांदी वो लाते थे और उसके बदले में कपड़ा मसाले आदि ले जाते थे, जिसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर वे लाभ कमाते थे। तो भारतीय सामान बाहर जाता था और सोना चांदी आता था, निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ा होगा। देश अमीर होता चला गया और इसीलिए वह काल सोने की चिड़िया का काल कहलाता है। समय ऐसा बदला कि जब अंग्रेजों का बहुत सारा धन भारत आया तो इंग्लैंड के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा, भाई भारत के शासन के लिए धन की व्यवस्था भारत में ही की जाए। तो इस प्रकार जब ये दबाव पड़ा कि अपने धन की व्यवस्था खुद करो, तो अंग्रेज विवश हो गए कि अब हमें व्यापारी से अब हमें शासक बनना होगा। और शासक बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वह तलवार की, यानी युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने कर लेना शुरू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये उनके अधिकार में आए और उस टैक्स के बल पर उन्होंने शासन चलाना शुरू किया। उनका मुख्य स्रोत ही टैक्स था। साम्राज्य विस्तार व प्रशासनिक खर्च को भी उन्होंने कम कर दिया। तो इस प्रकार ये जो तरीके अख्तियार करके उन्होंने कोशिश ये की कि इंग्लैंड से सोना चांदी, इंग्लैंड से पैसा आना कम हो जाए। तो इस तरह बक्सर का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। जब उन्होंने शासन शुरू किया और कर की ज़रूरत महसूस की, कर लगाना शुरू किया, तो उनको यहाँ के ज़मीनी ज्ञान की बहुत ज़रूरत थी। उनको जानना ज़रूरी था कि यहाँ टैक्स कैसे लगता है। भाषा अलग थी, परिवेश अलग था, लोगों का जीवन सहन अलग था। तो उन्होंने अपने तरीके से कुछ परिवर्तन किए। सबसे पहले शुरू में तो उन्होंने भारत की वही प्रथा को, कर की वही प्रथा को जारी रखा, लेकिन बाद में उसका निर्धारण और संग्रहण ये दो अलग तरीके से उन्होंने बाँट दिया। कर इकट्ठा करने के लिए एक निर्धारण और दूसरा संग्रहण। संग्रहण यानी कैसे लेंगे और निर्धारण यानी कितना कर कौन देगा, ये तय करना। तो इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग तरह की व्यवस्था उन्होंने लागू की और इनको तीन नाम दिए। पहला जमींदारी, दूसरा रैयतवारी और तीसरा महलवारी। ये तीनों तीन अलग अलग तरीके की कर इकट्ठा करने की तरीके थे। पहले दौर में ही नीलामी हो जाती थी जमींदारी प्रथा में, जो सबसे ज़्यादा व्याप्त हुई और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू किया, जिसमें ज़मीन को नीलामी करके उन्होंने उसको दे दिया जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए। और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला वह ज़मीन का मालिक बन जाता था और वहाँ के लोगों से वह टैक्स कलेक्ट करता था, कर लेता था। कर का एक हिस्सा अंग्रेजों को देता था और बाकी अपने पास रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना टैक्स, यही इसका उद्देश्य हो गया था, क्योंकि इसमें कोई निर्धारण नहीं था। इसलिए बाद में जब अंग्रेजों ने देखा कि किसानों का शोषण बढ़ रहा है और ये नीलामी से ज़मीन लिए हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर ले रहे हैं, तो उन्होंने एक सीमा बांध दी और कहा ये कर का निर्धारण अब 5 साल के लिए होगा और पुराने ज़मींदारों को लगान का जिम्मा देने लगे। अर्थात क्यों? क्योंकि नए ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर ले रहे थे, तो पुराने ज़मींदार उनकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ थे। और इस प्रकार थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हुआ, लेकिन ये ज़मींदारी प्रथा कहलाई। ज़मींदारी के बाद कॉर्नवॉलिस, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जो 1788 में भारत आया, उसने एक बहुत मूल परिवर्तन कुछ किए और उन परिवर्तन 1783 में आया, उसने कुछ मूल परिवर्तन किए और उसमें उसने बंगाल में ज़मींदारी प्रथा के साथ समझौता किया। ज़मींदारी का जिम्मा बंदोबस्त व्यवस्था के तहत दिया। बंदोबस्त यानी पूरी व्यवस्था, ज़मीन के कर से लेकर उसके
संभरण की, अन्यथा जिम्मा नए जिम्मेदार को बार बार देने की प्रथा उसने शुरू की। दूसरे शब्दों में, यदि सबसे ज़्यादा नीलामी पर लिए हुए व्यक्ति ने समय पर अंग्रेज सरकार को कर नहीं दिया तो वह भूमि पुनर्नीलामी हो जाती थी और इस प्रकार अंग्रेजों को दोबारा उसी जमीन से नीलाम के आधार पर पैसा मिलता था। एक और नई चीज़ उसने शुरू की, वह थी जमीन की खरीदी बिक्री। याद रखें बच्चों कि ये इस समय से भारत में जमीन का खरीदना और बेचना शुरू हुआ। उसके पहले हमारे यहाँ सारी जमीन शासन की होती थी, राजा की होती थी। तो ये खरीदने बेचने की प्रक्रिया इस जमींदारी सिस्टम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने से शुरू हुई। अब जब ये खरीदी बिक्री की प्रक्रिया हुई तो इसका असर किसानों पर पड़ा, शोषण बढ़ता गया और इसके साथ ही उत्पादन घटता गया। आखिर उत्पादन घटने का कारण ये कि जमीन उन लोगों ने खरीदी जिनको खेती से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको तो धन से ताल्लुक था। वो तो चाहते थे धन, किसानों से जितना ज़्यादा कर मिले। कितना उत्पादन हो रहा है यह उनके लिए मायने नहीं रखता था और इसलिए धीरे धीरे उत्पादन घटने लगा। इसके साथ निश्चित वसूली भी जारी रही, अर्थात यदि अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, कुछ अन्य महामारी हो तो किसी तरह की राहत जैसे पूर्व में राजा लोग किसानों को देते थे वह राहत अब नहीं दी गई। परिणाम किसानों का शोषण दिनों दिन बढ़ता गया और इस प्रथा से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी प्रथा थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मूल आधार था कि बीच में जो नीलामी के बाद बीच में जो जमीन खरीदते थे अब उनसे नहीं, सरकार और किसान ये दो के बीच में डायरेक्ट समझौता, बीच में कोई जमींदार जैसी चीज़ नहीं थी। और किसान के साथ तय किया गया था कि वह कितना कर देगा और किसको देगा, वह सीधा सरकार को कर देता था, समझ रहे हैं। तो इस तरह इस प्रथा में, रैयतवाड़ी प्रथा में समझौता किसान और अंग्रेज सरकार के बीच में होता था और ये तय होता था कि वह कितना कर देगा। लेकिन इसके बाद भी साथ में बचे हुए जमीन का 50% उसको कर के रूप में लगभग देना पड़ जाता था, जो बड़ा भारी था। कुल मिलाकर कहानी जस की तस, शोषण जारी रहा और किसानों की हालत दिन ब दिन पतली होती गई। रैयत यानी किसान। अब हम आते हैं महालवाड़ी पर। महाल यानी किसानों का झुंड एक गांव का, उससे शुरू हुआ महालवाड़ी प्रथा जो 1833 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा कर लेने के लिए किया गया अंतिम प्रयोग मान लीजिए। और चूंकि महाल यानी एक गांव के झुंड, इसलिए इस प्रथा को कहा गया महालवाड़ी प्रथा और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जिसमें पूरे गांव से लगान लेने के लिए समझौता होता था, न किसी किसान से होता था न जमींदार से होता था, पूरे गांव से। और गांव की जिम्मेदारी होती थी कि वह कर इकट्ठा करके, संग्रहित करके समय पर अंग्रेजों को दे दे, ना होने पर इसके दूसरे परिणाम भुगतने पड़ते थे। लेकिन इसमें भी कर की दर बहुत ज़्यादा थी, इसमें भी शोषण था, क्योंकि किसी तरह की राहत नहीं थी। अकाल में या भुखमरी में या किसी महामारी के समय, जो समय सामान्य था, उसमें किसी तरह की राहत नहीं थी। छत्तीसगढ़ में भी यही महालवाड़ी प्रथा लागू हुई, जिसका कुछ रूप आज भी हम कुछ क्षेत्रों में देखते हैं। यहाँ की व्यवस्था में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी हुए महालवाड़ी प्रथा में, सुधार के रूप में। लेकिन सुधार का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण में कमी करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा टैक्स कलेक्शन में, कर के संवर्धन में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश रखना था। तहसील में तहसीलदार की नियुक्ति हुई, जो आज भी जारी हैं। परगने में पांड्या या अमीर आए और साथ ही राजस्व अधिकारी आए। ये थी यहाँ छत्तीसगढ़ की तस्वीर और आज भी मोटे मोटे ये पद बने हुए हैं। मराठा शासन में जो पटेल होते थे, छत्तीसगढ़ पहले मराठाओं के अंतर्गत था, तो पटेल को हटाकर उसके बदले गौटिया को लाया गया, ये नया पद बना, नाम बदल दिया गया। गौटिया आज भी गांव में, आज भी वहाँ जहाँ ये प्रथा है वहाँ जारी है। इसमें किसानों को 3 किस्तों में लगान देना होता था और उसको जमा करते थे और निर्धारण जो होता था, लगान का निर्धारण अब
जमीन के क्षेत्र के आधार पे, उत्पादन पर नहीं। अर्थात पहले जहाँ ये तय होता था कि आपकी ज़मीन से 100 टन अनाज होगा, उसके बदले आप 20 टन अनाज के बराबर की कीमत हमको टैक्स में दोगे। अब इन्होंने नियम बदल लिया, इन्होंने कहा आपका क्षेत्र 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ मतलब उसका दर ये है, उस पर आपको इतना कर देना होगा। तो यानी एरिया, क्षेत्र के आधार पर टैक्स तय हुआ। देखिए कैसे स्थितियाँ बदल रही हैं। पहले व्यापारी बने, उसके बाद वो शासक बने, शासक के बाद शुरू में उन्होंने वही प्रथा जारी रखी, उसके बाद उन्होंने नीलामी शुरू की भारत में ज़मीन की, उसके बाद उन्होंने खरीदी बिक्री शुरू की ज़मीन की, और अब उन्होंने जो कर का निर्धारण किया वह निर्धारण भी किस आधार पे, उत्पादन पर नहीं बल्कि क्षेत्र पर। ये सब हमारी जीवन शैली में परिवर्तन ला रहे थे। इन्हीं परिवर्तनों के बारे में इस अध्याय में आपको बताया गया है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि जो दरें जो बहुत ऊंची थी और जो देना ज़रूरी था, उसको टैक्स को पटाना ज़रूरी था, किराया कर ना देने पर सरकार ज़मीन हड़प लेती थी या ज़मींदार हड़प लेते थे, शोषण बढ़ता गया। इसका परिणाम कि किसानों की हालत दिन ब दिन गिरती चली गई, शोचनीय होती चली गई। और परिणाम दूसरा, कितने दिन तक भूख है भजन होई गोपाला, आपने सुना होगा खाली पेट भोजन तो होता नहीं, भजन तो कर नहीं सकते खाली पेट रहते। तो फिर विद्रोह शुरू हुआ, कई जगहों में विद्रोह के उदाहरण मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कई उदाहरण हैं जहां पर किसानों ने विद्रोह किया। इस ये तो बात हुई अब किसानों की, किसान वो तबका जो समाज का सबसे बड़ा तबका था। अब जब सबसे बड़ा तबका, सबसे बड़ा वर्ग हमारे समाज का इस तरह से दुष्प्रभावित था, तो जाने के शिल्पकार और इन जो कलाकार थे छोटे मोटे, जो छोटे मोटे काम करते थे, कौशल आधारित कार्य करते थे, उनकी क्या स्थिति, उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। इस व्यवस्था के साथ ही अंग्रेज़ों के आने के साथ ये भी नष्ट होने लगी, क्योंकि पहले अंग्रेज़ सोना लाते थे और इन कलाकारों का, शिल्पकारों का सामान मुँह मोली मांग पर खरीदते थे और सोना छोड़ जाते थे। अब अंग्रेज़ शासक बन गए तो उन्होंने दबाव डाला कि आपका सामान हम इतने में ही खरीदेंगे, उससे ज़्यादा में नहीं, तो विवश थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने दबाव डाला कि अब हम सामान नहीं खरीदेंगे बल्कि आपसे हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदेंगे, और इससे आपके कच्चे माल से, आपके कपास से, आपके चमड़ों से हम इंग्लैंड में सस्ते में सामान बनाएंगे। तो इस प्रकार समय कैसे बदल रहा है, ये जो पूरी बात है ये कई 100 वर्षों तक चली। अंग्रेज़ों का शासन 300 साल रहा। अभी जो बात हो रही है वो 1600 से 1800 के दरमियान क्या क्या परिवर्तन आए, इस पर हम आए हैं। वनों में रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा, वनों की कटाई बहुत तेज हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों को रेल की पटरियां बिछानी थी, अंग्रेज़ों को खदान की खुदाई करनी थी, अंग्रेज़ों को अपने अपने कार्यालय खोलने थे, अंग्रेज़ों को अपने परिवहन के मार्ग बनाने थे जिससे वे अपनी फौज, अपना कच्चा माल, पक्का माल आदि बेच सकें, भेज सकें। इसलिए वनों की कटाई हुई, रेल पाते बनी, इंग्लैंड की मिलों के लिए कच्चा माल, पक्का माल भेजना और आदि आदि। परिणाम क्या हुआ कि खेत में रहने वाले किसान और जंगलों में रहने वाले आदिवासी और वहाँ के मूल लोग, अब वे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति का नाम है, झारखंड के बहुत प्रसिद्ध, रांची में उसने एक विद्रोह किया और विद्रोह का मकसद ही था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हस्तक्षेप करने से मना किया जाए। उसने 5 तरह के बाहरी हस्तक्षेपों पर बहुत तीव्र विरोध किया और उस हस्तक्षेप का उसने चाहा, उसने ये मांग रखी कि अंग्रेज़ हमारी इन चीज़ों पे किसी तरह का दखल ना करें, और उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि हमें अपनी जीवन शैली, अपने तरीके से जीवन यापन करने दें। बिरसा मुंडा आंदोलन आपको जानना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8वें बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और वो एक बच्चा था, भेड़ बकरी वगैरह चलाता था, उसका शौक कुछ विशेष नहीं था लेकिन समाज सुधारने के लिए थोड़ा सा तत्पर था। उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो हमारे समाज में जो विकृतियां आ रही हैं, गड़बड़ियां आ रही हैं, जो विद्रोह हो रहा है, नाराज़गी हो रही है, इसका कारण क्या है। और उसने जाना अंग्रेज,
और साथ ही उसने ये भी निष्कर्ष निकाला कि हम लोगों में भी कुछ बुराई है, उसको सुधारना, उन बुराइयों के लिए हटाने के लिए उसने जो आंदोलन किया, बिरसा मुंडा का आंदोलन, पहला उसने मांग रखी अपने ही लोगों के प्रति मांग कि शराब ना पिए, गांव साफ रखें, जादू टोने पर विश्वास ना करें, और साथ में जो ज़मींदार लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने ज़मीन नीलामी में खरीदी है, वे हमारे मामले में दखल ना करें। इन चार पांच मुद्दों को लेकर उसने आंदोलन किया जो मूल रूप से समाज सुधार का आंदोलन था, और पांचवा उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों को दखलंदाजी से मना करना। मिशनरी परंपरागत संस्कृति को हटाकर उसकी मांग थी कि हमारी अपनी जो संस्कृति है वह जारी रहे, अंग्रेजों की कूटनीति भी यहाँ पर न चले। ये तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि इस सब का क्या प्रभाव पड़ा होगा। एक तो बिरसा मुंडा के आंदोलन से, जिसमें उसने अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ बातें रखी, अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेज इस बात से भी परेशान हो गए कि बिरसा मुंडा के आंदोलन में साफ कहा गया कि आप लोग हमारे धर्म और हमारे जीवन यापन में किसी तरह का दखल ना दें। इसके साथ ही अंग्रेजों को डर था कि यदि ये हम सबको बाहर कर देगा तो वहाँ मुंडा राज हो जाएगा, यानी मुंडा समाज का शासन हो जाएगा, जो उनके लिए ठीक नहीं होगा, और इस तरह के आंदोलन अन्य जगहों में भी फैलेंगे। और सच्चाई यही थी कि आंदोलन फैलता गया। अंततः अंग्रेज़ों ने बिरसा को गिरफ्तार किया, उसे 2 साल की जेल की सजा दी 1895 में। मात्र 30 वर्ष की आयु में उसे, 20 वर्ष की आयु जो थी, 75 में पैदा हुआ, 95 20 वर्ष की आयु में उसे गिरफ्तार किया, और जब वो जेल से छूटा तो उसे और ज़्यादा जन समर्थन मिला। बिरसा मुंडा और बड़े रूप में अपने आंदोलन को उसने चलाया और परंपरागत भाषा और तरीकों को इस्तेमाल किया। परंपरागत यानी जो क्षेत्रीय भाषा थी उसका इस्तेमाल करके उसने जनता को प्रभावित किया। अंततः दुर्भाग्य से 1900 में उसकी मृत्यु हो गई, बहुत छोटी उम्र में, और मृत्यु के साथ ही आंदोलन धीमा पड़ गया, लेकिन अपनी अमिट छाप छोड़ गया, इतना कि आज इतिहास में बिरसा मुंडा एक अमर व्यक्ति माना जाता है। ये आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़े जिससे दिकू आदिवासियों की जमीन आसानी से न लग सकें। दिकू कौन है? जो जमींदार आते थे उनकी ज़मीन को आसानी से कोई ले न सके, ऐसा नियम बनाने के लिए बिरसा के आंदोलन ने अंग्रेज़ों को बाध्य किया। दूसरा, इस आंदोलन ने यह जता दिया कि हम आपको दबा सकते हैं, हम आप पर दबाव बना सकते हैं, आप कोई इतने बड़े नहीं हो जिससे कि हम डरते रहें, हम भी सक्षम हैं। और साथ ही उसने ये भी जता दिया, बिरसा मुंडा ने, कि हमारी जनता को जागरूक करने के लिए कोई बहुत बड़ी पद्धति की ज़रूरत नहीं है, सामान्य भाषा में लोकल प्रतीकों के माध्यम से हम जनता में शराब ना पीने की आदत, जनता में अपने आसपास सफाई रखने की आदत डाल सकते हैं। ये जो मैसेज गया, ये जो लोगों तक ये बात पहुंची, इसने अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया था, और इसीलिए आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो भाग हमने पढ़ा है उसको समझा है, इसके लिए 2 प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, अंग्रेजी शासन के आने से भारत में जमीनी व्यवस्था में किसानों से संबंधित हुए कोई 3 परिवर्तन बताएं। किसी 3 परिवर्तनों को बिंदुवार आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, बिरसा मुंडा कौन थे और उनके द्वारा किया गया आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी बिंदुवार लिखें। धन्यवाद।